इट वॉज 18 सितंबर 2021 जब मैं फ्रांस आया था फॉर अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, और आज एग्जैक्टली 3 महीने हो गए हैं. आज मेरा लास्ट डे यहाँ पे, सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं, एग्जाम्स हो चुके हैं, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद माई ट्रैवल्स. मैं इसके बाद स्विट्जरलैंड या इटली में से एक जगह जाने वाला हूँ. आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, सो स्टे ट्यून्ड विद द व्लॉग्स. और आज के इस व्लॉग में आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, अबाउट द स्ट्रगल्स, और इसके अलावा मैं आपको सिटी के आसपास लेके जाऊंगा बिकॉज इट्स माई लास्ट डे हियर. काफ़ी मेमरीज जुड़ गई हैं सिटी के साथ. होता है ना कि आप एक जगह जाते हो और वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद आप इतना फेमिलियर हो जाते हो सिटी के साथ दैट इट फील्स लाइक होम. और यहाँ पे भी इट्स यू नो लाइक मोर लाइक होम टू मी बिकॉज 3 महीने मैंने यहाँ पे अपने स्पेंड करे हैं. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल. अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं कुछ एरियल शॉट्स के साथ जो मैंने पहले लिए थे यहाँ के, और उसके बाद आई विल बी टॉकिंग फर्दर अबाउट माई एक्सपीरियंसेस. सो स्टे विद मी. मैं फ्रांस अकेला नहीं आया था, आई केम विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, और हम दोनों इकट्ठे आए थे फॉर अ सेमेस्टर एक्सचेंज. और जब हम कॉ पहुंचे थे विच इज़ इन द नॉर्मेंडी रीजन ऑफ फ्रांस, हमने फर्स्ट वीक के लिए ये एयरबीएनबी बुक करा था. काफ़ी प्यारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इस एयरबीएनबी के साथ. इट्स राइट इन द सिटी सेंटर, और इसके एकदम ऑपोजिट में बहुत सारे बार्स हैं जहाँ पे हमने शाम को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, स्पेशली इन द स्टार्टिंग डेज बिकॉज उस टाइम पे दिन भी काफ़ी लंबे होते थे. और सामने आप देख सकते हो पैलेस ऑफ जस्टिस, और उस रोड पर सारे बार्स हैं, तो अभी वहाँ चलते हैं. आई विल शो यू अराउंड. सो दिस इज द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट. शाम को 5 बजे के बाद इट्स कम्प्लीटली जैम पैक्ड विद पीपल. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और शाम के टाइम पे यहाँ पे कल्चर के अंदर ऐसे कि यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, हैव अ गिलास ऑफ बियर, हैव अ गिलास ऑफ वाइन, तो यहाँ पे ये सब बहुत चलता है. आप देख सकते हो पीछे तक बार्स ही बार्स हैं स्ट्रीट के अंदर. एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट सेमेस्टर एक्सचेंज कि आपको एक दूसरी कंट्री का कल्चर एब्जॉर्ब करने को मिलता है. यू गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स, यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट पीपल. सो ओवरऑल इस स्ट्रीट के ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा फन करा है. वी हैव गॉन टू ऑलमोस्ट ऑल द बार्स हेयर. काफ़ी मज़ा आता था शाम को बाकी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे यहाँ पे चिल करने में. एंड आप देख सकते हो अभी 3 बज रहे हैं, ऑलरेडी पीपल हैव मेड इट टू द बार्स जस्ट टू हैव अ गुड टाइम हेयर. बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ सेमेस्टर एक्सचेंज, बात करते हैं कि एग्जैक्टली सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता क्या है. सो बेसिकली आपके जो होम इंस्टीट्यूशन की पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग इन चितकारा यूनिवर्सिटी, और चितकारा यूनिवर्सिटी की पार्टनर यूनिवर्सिटी है ई एम नॉर्मेंडी बिजनेस स्कूल. सो मैं चितकारा से आया हूँ ई एम नॉर्मेंडी बिजनेस स्कूल एक सेमेस्टर के लिए, और यहाँ पर जो मेरे क्रेडिट्स होंगे वो मेरे होम इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे को कोई ट्यूशन फी पे नहीं करनी. आई हैव टू जस्ट पे फॉर माई लिविंग एक्सपेंसिस हियर. सिमिलरली फ्रांस से ई एम नॉर्मेंडी बिजनेस स्कूल से 2 बच्चे या 1 बच्चा चितकारा जाएगा टू डू 1 कम्प्लीट सेमेस्टर. सो ऐसा रहता है कि आपको कोई बिना ट्यूशन फी पे करे एक एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑप्शन मिल जाती है टू स्टडी अब्रॉड. इट्स अ रियल गुड थिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है. पर्सनली मुझे फील होता है आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ. अब यहाँ मैंने सब कुछ खुद करा है, आई हैव कुक माई ओन मील्स, ग्रोसरी शॉपिंग खुद गए हैं, घर पूरा खुद साफ करते हैं. सो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है कि हम अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. नो डाउट स्टार्टिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर बिकॉज इंडिया में हम बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं हाउस हेल्प और घर वालों के साथ, बट यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है ना. एक्चुअली फील्स वेरी गुड कि आप सब कुछ खुद मैनेज कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस यू मेक अ ग्लोबल नेटवर्क बिकॉज यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं आया हूँ, देर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसके अलावा जो प्रोफेसर्स भी हैं दे नॉट जस्ट फ्रेंच, वो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं. सो ऑब्वियसली यू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल, और इसके अलावा आप पर्सनली ग्रोथ फील करते हो इन योर सेल्फ, यू गेट मोर कॉन्फिडेंट, और आपके करियर ऑप्शंस के अंदर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है बिकॉज दिस रियली एड्स टू योर सीवी. अगर आप मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हो और आपने सेमेस्टर एक्सचेंज कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू. पिछले 3 महीने की जर्नी में मैंने 2 मेजर चैलेंजेस फेस करे हैं. द फर्स्ट इज अ लैंग्वेज बैरियर. अगर आप फ्रांस आओगे आप रियलाइज करोगे कि यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते, दे यूजली स्पीक फ्रेंच, एंड फ्रेंच पीपल आर अ लिटिल रूड. मैंने ये रियलाइज करा विद टाइम, एंड ऑनेस्टली स्पेन जब मैं गया था मुझे ज़्यादा बेटर फील हुआ, बट फ्रांस में पीपल आर ऑनेस्टली रूड, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे इशूज आए लैंग्वेज के साथ. फर्स्टली कॉलेज के अंदर, कॉलेज में यू नो आई हैव टू बी अ सोशल बटरफ्लाई कि मैं नए लोगों से मिलूँ, दोस्त बना सकूँ, बट दोस्त पीपल यूजली स्पीक फ्रेंच एट ऑल टाइम्स. अगर वो आपस में गपशप कर रहे हैं तो वो फ्रेंच में बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा बॉयकॉटेड फील होता था. और इसके अलावा टीचर्स का भी एक्सेंट फ्रेंच में था, सो थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम आई. बट दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अगर आप फ्रांस आ रहे हो आप फ्रेंच एज अ लैंग्वेज सीख सकते हो. अब ये जो लैंग्वेज बैरियर इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलेज, बट अगर मैं ग्रोसरी शॉपिंग भी करने जाता हूँ वहाँ पे जो इंग्रीडियंट्स लिखे होते हैं पैकेजिंग के ऊपर वो भी फ्रेंच में होते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ता है एट ऑल टाइम्स. सो लैंग्वेज का काफ़ी इशू रहा. ग्रोसरी स्टोर पर अगर आपको कम्युनिकेट करना है या कहीं पे भी कम्युनिकेट करना है यू हैव टू ऑलवेज यूज गूगल ट्रांसलेट. बट जैसे मैं आपको कह रहा था कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लैंग्वेज. आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे फॉर एग्जांपल जर्मनी जाते हो तो आप जर्मन सीख सकते हो, फ्रांस आए हो फ्रेंच सीख सकते हो. मैं नहीं सीख पाया, थोड़ा इशू आया, इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा इशू आया. और इसके अलावा सेकेंड
स्ट्रगल और चैलेंज आई फेस वॉज बींग होमसिक. थोड़े टाइम बाद मैं होमसिक होना शुरू हो गया था. फर्स्ट मंथ वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मस्त पार्टी चल रही है, मस्त एकदम चिल टाइम चल रहा है, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, गोइंग ग्रोसरी शॉपिंग, सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस था. बट आफ्टर अ वाइल आई स्टार्टेड मिसिंग माई फैमिली एंड ऑनेस्टली बहुत सारे ब्रेकडाउंस भी हुए हैं मेरे यहाँ पे, स्पेशली जब मुझे एयरबीएनबी शिफ्ट करना था. एंड देन यू नो एट डेज आई डेंट वॉन्टेड टू कुक फूड एंड यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा था कि कहीं पे जाके मैं इंडियन खाना खा लूँ. सो ब्रेकडाउंस हुए हैं बट विद टाइम आई रियलाइज कि ये भी मैं अपने आप में एक सेल्फ ग्रोथ कंसिडर कर सकता हूँ, दैट यू नो आई रियली वैल्यू माई फैमिली एंड आई मिस देम अगर मैं ज़्यादा देर दूर हूँ उनसे. सो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं यहाँ पे ऑफकोर्स. और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे पोर्ट के ऊपर. पोर्ट भी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज यहाँ पे आई स्पेंड हाफ ऑफ माई टाइम, हाफ ऑफ माई इवनिंग्स हियर. यहाँ पे मैं यूजली चिल करने आ जाता था. आने के बाद एक चीज़ करने का बहुत मन था, दैट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मुझे फ्रेंच नहीं आती यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर के कारण, मैं पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर पाया. बट मैंने बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशंस करी हैं और बहुत कुछ सीखा है लाइफ में ऑनेस्टली. मोर ओवर देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को कभी भी उसके कम्फर्ट जोन से बाहर भेज सकते हो, मे बी फॉर अ समर स्कूल, मे बी फॉर अ सेमेस्टर एक्सचेंज, मेक श्योर यू नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो घर पे रह के या कॉलेज जाके नहीं सीख सकते, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही सीख सकते हो. फर्स्टली अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं कभी भी खाना बनाना या फिर अपना रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ना सीख पाता. आई वॉज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड आई वुड से व्हेन आई वॉज बैक होम. बट यहाँ आके अपने काम खुद करने सीख लिए, एक नई अच्छी आदत बन चुकी है जो घर पे रह के कभी ना आती है. एंड आई एम श्योर माई मॉम वुड बी सो हैप्पी वंस आई गेट बैक होम. शील बी लाइक जो चीज़ें मैं घर पे ते को टोक टोक के सिखा ना पाई तो खुद जाके सिखाया. इसके अलावा आप हर चीज़ की वैल्यू करते हो. इंडिया में अगर ग्रोसरी शॉपिंग जाना था बहुत ही ईजी स्टेप था कि गाड़ी निकालो, एक्टिवा निकालो, सामान जाके ले आओ. यहाँ पे जब खुद ट्रैम पे जाना पड़ता है, भारी भारी सामान उठा के लेके आना पड़ता है, आपको हर चीज़ की वैल्यू होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में आप हर चीज़ की वैल्यू करना सीखो. और घर वालों की इतनी याद आई है यहाँ रह के कि अब घर जाके तो मैं एक दो महीने कहीं ट्रैवल नहीं करने वाला फॉर श्योर, उसके बाद ट्रैवल करेंगे. और इसके अलावा एक चीज़ और रियलाइज हो गई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ योर पेरेंट्स, इज़ योर फैमिली, एंड उनसे ऊपर कोई भी नहीं है. और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान बांट लिया मैंने इसके बाद. अभी थोड़े से एंटरटेनमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे कितना पार्टी करे, कितना चिल करे. अभी यहाँ से वॉक करके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन से बार्स में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है. आज लास्ट इवनिंग है मेरी यहाँ पे, इसके बाद हेयर कट भी कराना है बिकॉज कल से आई विल बी ट्रैवलिंग. ट्रैवल प्लान्स भी मैं बताऊँगा बिफोर एंड दिस व्लॉग, सो स्टे विद मी. अभी पहले वहाँ चलता हूँ बिकॉज आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है यार, अच्छे से पूरी सिटी अच्छे से देख लूँ, उसके बाद पता नहीं कब लाइफ में यहाँ पे आऊँगा. एक बार ही तो ज़रूर आऊँगा वापस, वेन एवर आई मेक इट टू फ्रांस. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इन दिस बार एंड इन डिलीरियम्स कैफे. यहाँ पे बहुत तरह की बियर्स ट्राई करने को मिलती हैं. और यहाँ पे जो इंटरनेशनल काउंसिल है कॉलेज का, दे यूज टू ब्रिंग अस हियर फॉर अ बार हॉपिंग. और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं. वी हैव बीन टू काबोर्ग जो 20 किलोमीटर दूर है कॉ से, वहाँ पे हमने वीकेंड स्पेंड करा था और प्रणव का बर्थडे था, सो काफ़ी अच्छी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई थी. इसके अलावा भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी मार्केट एक्सप्लोर करने चले जाते थे साथ में, कभी हम लेज़र गेम नाइट के लिए चले जाते थे. काफ़ी कुछ हैपनिंग हुआ. और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो कॉलेज आपका अच्छे से ध्यान रखते हैं. शाम के 5 ही बजे बट ऑलमोस्ट सनसेट हो चुके हैं. स्टार्टिंग के डेज में तो 8-9 बजे सनसेट होता था, काफ़ी लंबा दिन होता था, बट आजकल सनसेट जल्दी हो जाते हैं. और प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी घर जाना है, पूरा एयरबीएनबी क्लीन करना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना हमें देनी पड़े बिकॉज लास्ट एयरबीएनबी वालों ने काफ़ी लंबा बिल भेज दिया था एक्स्ट्रा क्लीनिंग का. सो सारे क्लीनिंग करनी है, पैकिंग करनी है और कल पैरिस निकलना है. और उससे पहले मुझे एक हेयर कट करवाना है बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग स्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट 25-26 डेज. अगर सब चीज़ें स्मूथ रहीं तभी मैं हेयर कट करवाने जा रहा हूँ. लास्ट टाइम मैंने हेयर कट करवाया था 25 यूरोस का, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अभी मैंने एक मस्त जुगाड़ सा ढूंढ लिया, घर के पास में 10 यूरो में हेयर कट हो जाएगा. सो जल्दी से हेयर कट करवाना है, आई विल गेट अ फ्रेश लुक. बहुत हेयर
टिकट मैंने करवा लिया और अभी घर वापस आ गया हूँ यहाँ पे, अभी आराम से पैकिंग करूंगा, कल सुबह मुझे निकलना है पेरिस और वहाँ से एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। आई विल बी ट्रैवलिंग यूरोप फॉर द नेक्स्ट 25-26 डेज, काफ़ी कुछ होने वाला है। आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस स्विट्जरलैंड, उसके बाद इटली जाना है, देन आई हैव प्लान्स फॉर बुडापेस्ट, प्राग, एम्स्टरडम एंड देन बेल्जियम बिफोर आई मेक इट टू पेरिस। पेरिस से मेरी फ्लाइट है घर की फॉर 13th of January, बट हो सकता है इस आइटनरी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए बिकॉज यूरोप के अंदर कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। आई कीप यू गाइस पोस्टेड विद दैट एंड विद दैट सेड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गाइस गो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।